काम है मोदी सरकार कुछ नहीं, योगी कुछ नहीं, झूठे वादे करो, फेंको। जब महंगाई बढ़ रही, गन्ने का भाव भी बढ़ना चाहिए था। गन्ने से बहुत चीज बना रहे लेकिन किसान को देने के लिए अलग कुछ नहीं है। किसान देख रहे, पहले यहाँ ये 9 सीट थी, सारी की सारी साफ हो गई। एक मुजफ्फरनगर इस पर दोबारा करवा दो तो शायद ये भी साफ हो जाए। मुजफ्फरनगर में तो गठबंधन पहले भी कामयाब हुआ और आगे भी कामयाब होगा। पहले भी भाजपा लड़ा थी, यहाँ तो मुजफ्फरनगर जो मेन चीज है आगे फिर लड़ा देगी। कुछ युवा भी हमसे बातचीत करेंगे भाई साहब, धरने पाए में। हाँ जी जी। कौन से गांव से है? ननेड़ा। ननेड़ा जी। सहारनपुर? नहीं, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से है। किसानों की धरती जो है, मेन बात करें यहाँ पे जो किसान बेल्ट है मुजफ्फरनगर के अंदर, क्या है इस बार किसानों का रुझान देख रहे हो 2024 को लेकर? तमाम प्रकार की यात्रा चल रही है, गठबंधन भी पहले हुए थे, लगता है इस बार मोदी की लहर के सामने गठबंधन टिक पाएंगे? हाँ बिल्कुल टिक पाओगा। यहाँ तो पहले से लोग चौधरी चरण सिंह को ही मानते आ रहे, उन्हीं की विचारधारा पर आगे बढ़ रहे, और ये भाजपा सरकार तो कुछ है ही नहीं। भाजपा में मोदी सरकार कुछ नहीं, योगी कुछ नहीं, झूठे वादे करो, फेंको। 15 लाख दुमा, 20 दे दुमा, नू कर दुमा, वो कर दुमा, करता कुछ नहीं, मगर फिर भी चुनाव जीत जाती है, आपने देखा होगा। मुजफ्फरनगर में तो गठबंधन पहले भी कामयाब हुआ और आगे भी कामयाब होगा। पहले भी भाजपा लड़ा थी, यहाँ तो मुजफ्फरनगर जो मेन चीज है आगे फिर लड़ा देगी। सवाल ये तो, संजीव बालियान आपके यहाँ से सांसद है, लगता है 2024 में फिर जनता सांसद बनाएगी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये बनाना जरूरी है। देख नहीं रहे किसानों की हालत क्या हो रही, कोई जरूरी थोड़ा ही बनाऊंगे। किसान देख रहे, पहले यहाँ ये 9 सीट थी, सारी की सारी साफ हो गई। एक मुजफ्फरनगर इस पर दोबारा करवा दो तो शायद ये भी साफ हो जाए। 6 सीट है मुजफ्फरनगर विधानसभा? हाँ 6 है, 6 की 6 एक सीट है, या नहीं बाकी तो 5 जा चुके हैं। हाँ, अगर ये अभी दोबारा इस पर हो जाए तो ये भी गई। क्या कहेंगे? 24 में 2 सीट आएगी, आएगी बिजनौर को और मुजफ्फरनगर को मिला के। इनमें सरकार तो बड़े बड़े वादे करे, इस बार 24 के अंदर कुछ अलग ही करिश्मा होगा। देखो वादे तो बहुत करे, पहले भी अब तक नहीं करे तो आगे क्या करेगी। पब्लिक का तो बदलाव आ गया, लोग बात समझ गए, अब लोग समझे नहीं थे इस बात को पूरे तरीके से। किसान परिवार से हैं आप, क्या मुद्दे रहते हैं आप लोगों की, क्या समस्या रहती है? समस्या है तो गन्ने का भाव कुछ नहीं है, कई साल से बढ़ा नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही बहुत ज्यादा। जब महंगाई बढ़ रही, गन्ने का भाव भी बढ़ना चाहिए था। गन्ने से बहुत चीज बना रहे लेकिन किसान को देने के लिए इन पर कुछ नहीं है। खाद, बीज, दवाई सब कुछ बढ़ चुका लेकिन किसान को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं। उनका पेमिट है, पेमिट भी समय से नहीं मिल पाता। दूसरी बात, कर्जा इतना कर दिया उन्होंने क्योंकि पेमिट समय से नहीं मिलता, वो दे नहीं पाते। छोट पेमिट आवा तो वो अपना ऐसे ही हो जाए। एक आवारा पशु की इतनी बड़ी समस्या है, इतनी जबरदस्त समस्या है, बहुत जबरदस्त। किसान परेशान है, रात तो फिर रहे जंगल में। जी बालियान जी बोल रहे हैं कि सेंटर बनने जा रहा है बीसी, यहाँ पे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनने जा रहा है। इनमें बना देंगे वे सेंटर, वो तो वहाँ फत मजरी, लोगों की जमीन जबरदस्ती घेरने से कोई लाभ होगा? ये समाधान नहीं है इसका। जबरन जमीन छीनी जा रही है। हाँ वो धरना चल रहा है वहाँ भी, वे लोग अपने तंबू लगा बैठ के बैनामे हैं, उनके पास जमीन के वे कह रहे हैं हमारे पास बैनामे हैं, कैसे जमीन कहीं ना कहीं हितों में तो काम कर रही है। आप कह रहे हैं आवारा पशु जो खेत चढ़ते हैं, ये समाधान नहीं है। ये समाधान कब तक कर देंगे? जितनी गौशाला इन्होंने पहले से बना रखी, गायें भूखी मर गई बहुत गौशाला में, पेपर में। बाबा की सरकार है, योगी की सरकार है, वो तो खुद एक संत है। अरे संत हैं तो उन पर व्यवस्था तो नहीं संभाल पाए पशुओं की। अब ये कहते हैं इतने पशु जंगल में गौशाला बनवाई इन्होंने, पैसा बंदरवाट हो गया, गाय मर गई भूखी। मगर ये सरकार का ही मानना है भाई, गन्ना मंत्री से भी बातचीत हुई, कह रहे थे कि पिछली सरकार की उपेक्षा हमने गन्ने का भुगतान उनसे कई सौ गुना किया है। अरे भुगतान करने से कोई फायदा थोड़ा है, उसे आमदनी भी तो होनी चाहिए ना किसान को। ये 2022 में आमदनी दुगनी बता रहे थे, दुगनी क्या नीचे चला गया किसान? किसान नीचे चला गया, आमदनी दुगनी तो होने से गई। सरकार तो किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है। वही तो हम कह रहे, दुगनी तो हुई नहीं, 2022 का वादा करा था उन्होंने, 2022 भी जा चुका, 23 आ चुका, लेकिन दुगनी क्या करते है, तो एक गुनी भी नहीं रहे, नीचे उतर गया किसान। किसान तो आज की तारीख में बहुत परेशान है। गांव की हालत अगर वे आगे देखो तो गांव में गांव की समस्या, गांव के बैंकों के कर्ज देखो कितना किसानों पर, लेकिन वो उसे नहीं दे पाता क्योंकि आमदनी घट नहीं रही, तो वो कहां से इतनी महंगाई है। दर्शकों आपने देखा मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में मौजूद थे तमाम प्रकार के किसानों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने अपनी राय रखी, मगर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार मुजफ्फरनगर का ये टिकैत साहब का धरना या आंदोलन कितना लंबा चलता है और इस धरने से सरकार की कानों पर जू रेखती है नहीं रखती है। मुजफ्फरनगर से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट, बीजीटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।